अब सीरियल नथ में जिस तरह से कृष्णा का संघर्ष था, ठीक उसी तरह अब उसकी बेटी गोपिका भी संघर्ष कर रही है। कैसे, आप देखिए इस कहानी में। काम करना नहीं होता तो करती क्यों? ऐसे पानी कौन डालता है संदूक के ऊपर? गोपिका, आपकी किस्मत अच्छी तो है, मगर इतनी भी नहीं कि आप उससे एक्सपेरिमेंट करती रहें। अब आपको काम की जरूरत है, तो थोड़ा आपको काम से काम रखना चाहिए और थोड़ा अलर्ट भी रहना चाहिए, क्योंकि आपकी किस्मत आपको बार बार जाकर आर्या से भिड़ा दे रही है और एक बार फिर आपने कर दिया बेड़ा गर्क। अब दरअसल बात यह है कि गोपिका काम ढूंढ रही थी, उसे काम मिल भी जाता है। काम ये है कि वो गाड़ियों को चमका कर धो दे। अब गोपिका इस काम को काफी अच्छे तरीके से कर रही थी, सब कुछ ठीक से हो रहा था, मगर वो कहते हैं ना कि अगर आपकी किस्मत खराब हो तो आपको इसका भुगतान किसी भी हाल में करना पड़ता है। लीजिए, वही हो गया जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। अब आर्या कार में सोया था और इस बात से गोपिका अनजान थी। इतना ही नहीं, उसके कार का सनरूफ भी खुला हुआ था और गोपिका ने ये देखे बिना ही कार पर पानी डाल दिया और फिर जो हुआ वो तो गोपिका संभाले नहीं संभाल पाई। काम करना नहीं होता तो करती क्यों? ऐसे पानी कौन डालता है संदूक के ऊपर? नहीं नहीं नहीं, गलती हमारी, हमने क्या किया? जब भी इनसे मिलते कुछ ना कोई प्रॉब्लम होती है और हमेशा इनकी मुलाकात कुछ ना कुछ ऐसी चीज पे हुई है कि कुछ अच्छा नहीं हुआ। जब भी ये दोनों मिले हैं तो उसको चिढ़ होती है कि यार ये जब भी आती है कुछ ना कुछ तूफानी मचा कर जाती है, इस बात पे मुझसे चिढ़ जाता है वो। अब गोपिका, पानी डालने तक तो ठीक था, मगर ये क्या कर दिया आपने, सब कुछ ठीक करने के चक्कर में सब कुछ खराब कर दिया और अब तो ग्रीस लग गया है आर्या के कपड़े में। और कहीं ना कहीं लव स्टोरी को आगे बढ़ाना है, लव स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी, क्या होगा, और जब तक नोक झोंक ना हो लव स्टोरी में, इस तरह की आपस में तकरार ना हो, तब तो देखने का मजा भी नहीं आता। और ऑडियंस की को मनोरंजन करने के लिए, उनको एंटरटेन करने के लिए इस तरह के सीन्स डाले जाते हैं एपिसोड्स में हमारी कहानी में, उनको देखने में मजा भी आता है। जब हमें करने में इतना मजा आ रहा है तो उनको देखने में कितना मजा आएगा। अब देखिए, ये तो किस्मत का ही संयोग है कि ये दोनों बार बार एक दूसरे से मिल रही हैं। प्रोमो में भी साफ है कि ये दोनों एक दूसरे से आगे चल के शादी करेंगे और गोपिका बनेगी सासू माँ, वो भी तीन तीन बहुओं की। अब इनकी किस्मत इन्हें कैसे मिलाती है ये तो देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा। हम गोपिका, कुछ देर पहले ही हमारी शादी हुई है और गृह प्रवेश करते ही हम इस घर की नई बहू से छोटी माँ बन। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आखिर क्यों लिया हमने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।